Welcome to my channel. So, a lot of people face a lot of struggle when they get a pet for the first time. It can be a puppy, it can be anything. But if you're getting a life for the first time, you're bound to face certain problems that could actually jeopardize not only you but also your pet's health. So, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से चीजें हैं जिसकी हमें ध्यान रखनी होंगे जब हम पहली बार कोई किटन या फिर कोई पपी को लेके आ रहे हैं। आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन अ किटन बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस सच थिंग्स विद माय किटन। हियर शी इज। क्योंकि हेलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्योंकि जब पहली बार घर आई थी, आई हैड एक्चुअली नो आइडिया कि मैं उसको क्या फीड करूँ, क्योंकि द पर्सन हु ड्रॉप्ड हर एट माय होम गिव मी नो इन्फॉर्मेशन एट ऑल। शी केम ड्यूरिंग द क्वारंटाइन पीरियड एंड वो आए एंड उसको बस रख के एंड दे जस्ट वेंट। सो आई वॉज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन क्योंकि आई वॉज थिंकिंग कि उसे 2 months ओल्ड है, सो आई विल स्टार्ट फीडिंग हर नॉर्मली। तो आई गॉट रॉयल कैनन द किटन वन। And after eating the food, she got indigestion problem and she got extremely dehydrated. Because of that, I had to take her to the vet. She was under drips, which was very frustrating and struggling for me because I was also under depression that she will die because of me. तो एक चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है कि किटन की एज कितनी है। अगर आपको किटन का भी जरा सा भी डाउट है कि वो उसका 2 months नहीं है, प्लीज़ आप उसको कोई भी सॉलिड फूड ना दें। स्टार्ट विथ अ किटन मिल्क रिप्लेसर, द फूड दैट एक्चुअली किटन शुड ईट बिफोर वीनिंग टाइम। तो हम जब एक किटन को उसके मदर से अलग कर लाते हैं बिफोर द वीनिंग टाइम, किटन का स्टमक या डाइजेशन ट्रैक प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है। इस टाइम पे हम अगर उनको कोई भी सॉलिड फूड या फिर कुछ हैवी फूड दें तो इनडाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एंड इट कैन बी फेटल। So what we should do is that if we anyhow suspect that कि आपके किटन की एज 30 to 45 days के अंदर है, तो please do not feed them anything like दाल, रोटी, cow milk और fish, chicken, nothing. Try to give them KMR, that is the kitten milk replacer, that you can get, you can consult to any vet, you can take them and get one. Which will be actually helping you to maintain her digestive tract. The second and the biggest problem that I faced with Yuki was the vaccination. Because ये जब आई थी तो I thought she was 2 months old but she wasn't. And if she is 2 months old तो आपको उसकी पहली वैक्सीनेशन आपको लगवानी है, that is the Tri-Cat vaccine. जो आपको पैन लिकोपेनिया जैसे वायरस, ELV जो होती है, पार्वो, वो सबसे प्रोटेक्ट करती है। अगर आप कोई ब्रीडर से लेके आ रहे हैं 3 months किटन जिसकी ये वैक्सीनेशन नहीं हो रखी है, आप भी ये वैक्सीनेशन नहीं करा रहे, तो देर इज अ हाई चांस कि आपके किटन को पार्वो अटैक कर सकती है एंड द किटन मे डाई शॉर्टली। तो इफ यू गेट एनी किटन, उसकी अगर आप कोई किसी से ले आ रहे हैं तो उसकी वेट रिकॉर्ड्स प्लीज लेके आए, चेक करें कि उसकी क्या क्या वैक्सीनेशन हो रखी है। उसकी एक ट्राइकेट वैक्सीन और फेलिजेन CRP होनी चाहिए एंड एग्जैक्टली उसके 1 month बाद एक बूस्टर उसको जरूर लगना चाहिए एंड ये वैक्सीनेशन उसके पहले साल में कंप्लीट होना चाहिए। अदर देन दैट, देयर शुड बी 1 anti-rabies एंड 1 booster ऑल्सो फॉर योर किटन। ये मैंडेटरी है, प्लीज डू नॉट स्किप एनी ऑफ दिस वैक्सीनेशन क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा वीक होती है इन द फर्स्ट ईयर। दे नीड द वैक्सीनेशन इन ऑर्डर टू फाइट द वायरसेस। The next struggle that I faced was with the kitten temperament. Temperament is a very subtle thing. क्योंकि हम पहले जब किटन को घर लेके आते हैं, we don't know कि उसका temperament कैसा है। She will be all shy, वो छुप रही होगी, थोड़ा बहुत आ रही होगी, आपके साथ स्नगल कर रही होगी, but do not go by that. Kittens take at least 3 to 4 days in order to familiarize themselves with the environment. सुन सुन के अपना अपना ट्रैक बनाते हैं, अपने अपने एस्केप रूट्स बनाते हैं एंड फिर उसके बाद जब हंगामा मचता है देन यू कैन नॉट कंट्रोल इट। सो किटन्स आर फुल ऑफ एनर्जी, वो आपके घर भर घूमेंगे, आपको स्टॉप करेंगे, आपको हंट करेंगे, दे प्ले विथ यू, उधर से जंप कर रहे होंगे। तो इफ यू गेटिंग अ किटन
इट एंड देन यू शुड बी प्रिपेयर्ड. तो ख्याल बिल्कुल ही रखना है कि उनकी एनर्जी को कंटेन नहीं करना है. यू हैव टू रिलीज दैट एनर्जी. उनके साथ खेलें, उनको एंगेज करें थ्रू आउट द डे ताकि उनका जो ये एनर्जी है वो इन अ पॉजिटिव वे निकल जाए. एंड द ओनली थिंग दे हैव एट द एंड ऑफ द डे इज अफेक्शन फॉर यू. अगर कोई किटन घर पे लेके आ रहे हैं देन यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू हिम और हर, क्योंकि किटन्स डू रिक्वायर अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड टाइम इन ऑर्डर टू बॉन्ड विद इट. अगर आप किटन लाते हैं उसको मेजॉरिटी ऑफ टाइम अकेला छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं उसकी एक नेगेटिव टेम्परमेंट डेवलप करना शुरू करता है. वो आपके साथ प्रॉपरली बॉन्ड नहीं कर पाता है. सो स्टार्टिंग से उसको केयर एंड अटेंशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके टेम्परमेंट अच्छे से डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसकी हैबिट्स देखना, उसके शेड्यूल्स देखना, क्योंकि इसी टाइम पे ही उनके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए उनकी शेड्यूल्स बनती हैं. उनका ट्रैक कैसे खाने का होगा, कैसे उनका खेलने का टाइम होगा, सोने का होगा, हर एक चीज़ की एक शेड्यूल बनती है सो दैट दे गेट एक्विंटेड विद दैट. बट अगर आप इसी स्टेज पे उनको छोड़ देते हैं कहीं पे अकेले, या वॉकिंग कर रहे हैं तो 6-7 घंटे आप उसको घर पे अकेला छोड़ के जा रहे हैं, तो प्लीज़ एक सिंगल कैट अप अडॉप्ट मत कीजिए. दे गेट वेरी लोनली एंड डिप्रेस्ड एंड व्हेन दे डोंट गेट टू स्टिमुलेट इनफ, उनको इनफ स्टिमुलेशन नहीं मिलता है या फिर उनके पास कोई प्लेमेट नहीं होता है, दे स्टार्ट गेटिंग डिप्रेस्ड एंड वेरी अग्रेसिव लेटर ऑन. सो इफ आप किटन ले रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है, ट्राई टू गेट 2 kittens इफ यू कैन अफोर्ड फाइनेंशियली, और इफ यू आर हैविंग देन ट्राई टू स्पेंड एज मच ऑफ टाइम एज पॉसिबल विथ योर किटन. It was lucky, Yuki was lucky because since she came during quarantine period and lockdown in COVID-19, I was able to give a lot of time to her, and which actually helped in bringing a bond between her and me. She is extremely playful and wo din bhar, usko bolo to wo din bhar khelne ke liye ready. She'll come and jump over you and you'll just biting you, not exactly a harmful one, just playful one ki aao mujhe engage karo, nudging you. Then I'll have to go and play with her wand, play with her other toys, and until her total energy is drained out, I have to play with her. Then she comes to me, snuggle with me while I'm working, and it's a very blissful feeling, and that actually helped a lot. The final point of this video is litter and litter box. Because litter is available in many brands in the market, litter boxes are available in many sizes. इफ़ यू गेटिंग 30-day-old या 40-day-old किटन तो उनके पॉज छोटे छोटे होते हैं, एंड उनके लिए अगर आप हाइटेड वाला या ह्यूज लिटर बॉक्स ले आते हैं तो वो क्लाइंब नहीं कर पाते उसके अंदर, एंड दे स्टार्ट गेटिंग अ नेगेटिव अप्रोच टूवर्ड्स द लिटर बॉक्स. तो कहीं पे भी दे विल स्टार्ट डूइंग द बिजनेस. सिंस किटन एंड कैट बाय बर्थ ही उनको पता होता है कि लिटर देखे तो उनके साथ क्या करना होता है, यू डोंट हैव टू टीच देम एनीथिंग कि कहाँ पे सुसु करना है या फिर कहाँ पे उनको अपना बिजनेस कम्प्लीट करना है. बट सिलेक्टिंग द लिटर एंड द लिटर बॉक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि अगर आप सही लिटर या सही लिटर बॉक्स नहीं लेते हैं एंड अगर आपकी किटन उसको एक्सेप्ट नहीं करती है तो देयर आर हाई चांस वो घर घर घूम के अपना बिजनेस करेगी टू शो दैट शी डज नॉट लाइक दैट थिंग. तो इफ यू गेटिंग अ स्मॉल किटन देन पहले स्टेज के लिए आप लो हाइटेड लिटर बॉक्स ले विदाउट रिम so that it's easier for her to climb. And size depends कि आप कितना, आप 17 inches से ले सकते हैं up to 20-24, but height कम हो ताकि she और he can easily climb. Second is the litter. There are a lot of litter types available in the market, starting from the clay bentonite litters, your clumping ones, and your tofu ones. So selecting that proper litter is very important. Since if you have a house that has a very good backyard and everything, you can absolutely go for sand or anything, it does not matter. But if you're living in an apartment jahan pe it will be very messy if you bring in sand, smell hone ke chances hai kyunki ventilation ka koi matlab provision dhang se hai nahi, plus koi ghar mein aa rahe hain to it will be very messy and it will be very smelly. To uske liye to market mein aap clumping order lock wale litter le sakte hain. And dusra ye hai which I use is tofu litter. आई प्रेफर टोफू लिटर क्योंकि उसकी एक बेनिफिट है कि वो हार्मफुल नहीं है, एंड सिंस इट्स मेड ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट इट इज क्लम्पिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, वो क्लम्प करती है, ऑल्दो थोड़े से क्लम्प सॉफ्ट होते हैं लेकिन इट्स फाइन डज इट्स वर्क प्रॉपरली. दूसरा ये कि फ्लैशेबल है, सो स्मॉलर क्वान्टिटीज में आई कैन फ्लैश इट डाउन विदाउट इशूज, क्योंकि कभी कभी होता है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन
लॉकडाउन में तो उस कचरे वाले को बहुत इशू हो गया था. वी आर नॉट एबल टू गो आउट थ्रू द कचरा. सो गेटिंग मोर एंड मोर जनरेटिंग कचरा को रिड्यूस करने के लिए आई चोज अ टोफू वन सो दैट आई कैन एक्चुअली एलिमिनेट इट थ्रू द थ्रू माई टॉयलेट इटसेल्फ. एंड तीसरा बेनिफिट ये है कि कभी कभी किटन जब निकलते हैं वहाँ से तो दे टेंड टू लिक देयर पॉज एंड एवरीथिंग. एंड कुछ पॉ में अगर स्टिक होती रहती है वो लिटर तो इट विल बी वेरी हार्मफुल कि वो अगर उसको इंजेस्ट करें थोड़े. ये सिंस इसका जो बेस है दैट इज टोफू बेस्ड सो इट्स नॉट अगर वो इंजेस्ट करते हैं तो इट्स नॉट वेरी हार्मफुल फॉर देम. इट्स सेफ. एंड फोर्थ ये है कि लिटर ट्रैकिंग मतलब जब आपका बिल्ली उसको पॉइंग करती है उसके अंदर जाके या फिर जब वो बाहर आती है तो बहुत सारे क्लेज इधर उधर फैल जाते हैं. तो टोफू लिटर सिंस वो पैलेट्स काइंड ऑफ शेप में आता है सॉफ्ट होता है तो इट डज नॉट लिटर ट्रैकिंग काफ़ी कम हो जाती है उनकी पॉज में ज़्यादा स्टिक नहीं करता एंड मैक्सिमम लिटर अंदर ही रहता है. सो दिस इज द थिंग अबाउट लिटर. एंड द डाउन साइड इज दैट इट्स अ बिट कॉस्टली कम्पेयर टू अदर लिटर्स. मैं जो खरीदती हूँ नर्चर प्रो का दैट कॉस्ट अराउंड 900 रुपीज फॉर 2.5 किलो एंड इसके लिए अराउंड 20-25 डेज चलता है. वो ज़्यादा नहीं चलता है. सो इट्स एक्सपेंसिव बट आई फाइंड इट वर्थ इट फॉर अपार्टमेंट लिविंग सो आई इन्वेस्ट इन इट. एंड लिटर का क्लीनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. आपको अगर स्मेल नहीं चाहिए घर भर में और आप नहीं चाहते कि आपके किटन डिसगस्टेड फील करे लिटर बॉक्स की तरफ देख के देन यू हैव टू क्लीन योर लिटर बॉक्स एवरी सिंगल डे इन अ शेड्यूल्ड टाइम. तो आप अगर 24 आवर्स का शेड्यूल ले रहे हैं तो प्लीज़ चेक करें कि उसी टाइम पे आप अपना लिटर एलिमिनेट कर दें बॉक्स से एंड उसके ऊपर आप फ्रेश लिटर का एक टॉपिंग डाल दें ताकि किटन उसको फिर से उसके अंदर जाने के लिए वो रेडी हो जाए. अगर आप क्लीन नहीं करते हैं ज़्यादा भर जाता है तो किटन उसके अंदर नहीं जाएगी. शी विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर अदर प्लेसेस टू एलिमिनेट एंड विच बिकम्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि वो कहीं पे भी जाके एलिमिनेट करते हैं. एंड किटन का टॉयलेट या फिर उसका बिजनेस नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर यू एंड इट्स वेरी स्मेली एंड स्टिंकी एंड यू डोंट वॉन्ट दैट कि आप वर्क फ्रॉम होम भी करें और फिर वो कहाँ एलिमिनेट करिए उसको भी जाके आप पोछे साफ करें क्योंकि इट्स वेरी स्टिंकी. उनका एंजाइम्स होता है उनकी यूरिन में एंड इट डज नॉट ब्रेक डाउन विद सिंपल फिनाइल. यू हैव टू गेट अ एंजाइमेटिक क्लीनर फॉर दैट एंड वो स्मेल रह जाता है घर. सो प्लीज मेक श्योर कि आप लिटर बॉक्स उनके टाइम टू टाइम क्लीन करते रहें इन फ्रीक्वेंट इंटरवल्स एंड यूज प्रॉपर लिटर. दैट्स इट फॉर टुडे. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल बी कमिंग अप विथ मोर एंड मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स रिगार्डिंग किटन केयर हेल्थ and homemade food also which I feed my kitten to keep his coat and health in a very good shape and good condition.